कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से अपने घर में छुट्टियाँ बिताई होंगी और सुरक्षित होंगी। बच्चों, हमने पहले भाषा और वर्ण पढ़ा है, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, उदाहरण में जैसे किसी व्यक्ति आता है तो आप किसी भी पर्सन का नाम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम वो कोई भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम। वस्तु, कोई भी वस्तु, बेंच, कुर्सी, जो भी है वो होगा वस्तु। स्थान, किसी भी शहर का नाम, गांव का नाम, देश का नाम, वो होगा हमारा स्थान। उसके बाद प्राणी, कोई भी प्राणी हो सकता है, वो शेर, चीता, भालू या चूहा है। तो उसके बाद आता है भाव। भाव वो होते हैं जो हमारे मन में अंदर से आते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे मित्रता हुई, ये बुढ़ापा हुआ, या कोई खुशी, इसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आशा है आप सबको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।